दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये जिज्ञासा हुई है कि गणपति जी और पवन पुत्र हनुमान जी में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान गणपति जी प्रथम पूजनीय है और विघ्नात्मक माने जाते हैं। हर शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की वंदना इसलिए भी की जाती है ताकि वो कार्य मंगलदायक हो और आनंदपूर्वक संपूर्ण हो। और हनुमान जी सनातन धर्म की सबसे बड़ी अवधारणाओं और हिंदू महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान है। वे कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार, सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। हिंदू महाकाव्य के अनुसार हनुमान जी को अति महारथी की श्रेणी में वर्णित किया गया है और वहीं गणेश जी को महामहारथी कहा गया है। अति महारथी का अर्थ होता है कि वो योद्धा जो 12 महारथी के साथ लड़ने की क्षमता रखता हो, और महामहारथी वो होता है जो अकेला 24 अति महारथियों से लड़ने की क्षमता रखता हो। तो युद्ध कौशलता और शास्त्रों में ज्यादा महारत हासिल होने के हिसाब से गणेश जी ही ज्यादा शक्तिशाली है। पर कई सारे महाकाव्यों में हनुमान जी के पंचमुखी रूप को महामहारथी की उपाधि दी गई है और हनुमान जी को कई सारे देवताओं से वरदान प्राप्त थे जो हनुमान जी को ही अधिक शक्तिशाली दिखाते हैं। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि अगर इन दोनों देव में युद्ध भी हो जाए तो एक दूसरे से कभी कोई नहीं जीत पाएगा। गणेश जी महादेव के पुत्र हैं जिनकी उत्पत्ति माँ पार्वती ने की, वहीं हनुमान जी को महादेव का रुद्र रूप माना गया है। ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हुए कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन इनके युद्ध संदर्भ में एक कहानी जरूर मिलती है। गजासुर नामक का एक राक्षस था, वो एक दिन हनुमान जी के पास गया और उनसे बोला कि गणेश जी श्री राम के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं, ये सुनते ही वो क्रोधित हो गए और गणेश जी पर आक्रमण कर दिया। जब इन दोनों के लड़े की खबर महादेव के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर उनका युद्ध रुकवाया तथा उन दोनों को शांत कर दिया। महादेव ने उन दोनों को कहा, तुम सम्मान शक्तिशाली हो, इसलिए आपस में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम दोनों में से कोई एक दूसरे से नहीं जीत पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।